दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया तो भाई इंडिया का जो फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट है बहुत ज्यादा हीट पकड़ रहा है अफकर्स जो भी फैंस हैं अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के वो चाहते हैं कि टॉप क्लास प्लेयर्स उनके क्लब्स में आ जाए बहुत ज्यादा फाइट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ठग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन यू you नो know, क्लब्स फॉर वन प्लेयर तो भाई आज जो है इस वीडियो में हम लोग इसी सिनारियो को कवर करने वाले हैं इसी सीनारियोस के बारे में बात करने वाले हैं केरला ब्लास्टर्स के बारे में बात करेंगे जमशेदपुर के हम लोग बात करेंगे हम लोग मोहन बगान सुबर जाय की और ईस्ट बंगाल की बात करेंगे क्योंकि इनके बीच में जो है बड़ा ठग ऑफ वॉर चल रहा है फॉर अपुया और कुछ बंगाली मीडिया ने तो भाई इतना बता दिया कि अपू या जो है ऑलरेडी मोहन बगान को साइन कर दिया तो भाई कितनी सच्चाई है इस न्यूज में उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करेंगे जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद ब्लैकबर्न रोवर्स जो कि एक चैंपियनशिप साइड है एक सेकेंड लीग की साइड है ऑफ इंग्लैंड आपको पता होगा तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी बनती है एंड आल्सो गुजरात सुपर लीग के विनर्स और गुजरात सुपर लीग के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना अगर आपको वीडियो पसंद आए डोंट फकेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर हम जो है ऑलवेज इंडियन फुटबॉल के कंटेंट को पुश करते रहते हैं तो लेट्स गेट तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई सिटी के बारे में और जो उनका प्लेयर है नील वाला जो अंडर में उनके लिए खेलता है इज अ अटैकिंग मिडफील्डर उसने हाल ही में ब्लैकबर्न रोवर्स के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ अकेडमिक कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट लेट मी से दैट ठीक है और ये जो है ज्वाइन करेंगे ब्लैकबर्न रोवर्स की अंडर फिफ्टीन या अंडर सिक्सटीन अकेडमी को दैट्स अ ग्रेट थिंग बहुत बढ़िया वहां पे ट्रेनिंग मिलेगी बढ़िया ट्रेनिंग रिजाइम है अच्छे है वहां पे अच्छे प्लेयर के साथ में खेलने का मौका मिलेगा वो तो बाद में देखा जाएगा कि कैसा प्लेयर पैन आउट होता है बट फॉर करंट मूव दैट अ ब्रिलियंट मूव आउट से जो बाकी के प्लेयर्स भी हैं यार वही सेम एज ग्रुप के हैं जिनके पास क्षमता है आई थिंक इट्स अ राइट वे टू गो आउट एंड एक्सप्रेस योर एक अलग हॉस्टाइल कंडीशन में थोड़ा सा ट्रेन करें प्रॉपर फो फैसिलिटीज में ट्रेन करें क्योंकि इंडिया की फैसिलिटीज की अगर बात करें अभी हाँ धीरे धीरे करके अच्छे अकेडमीज आना शुरू कर रहे हैं बट प्रॉपर यू नो जो कोचिंग होती है टॉप क्लास कोचिंग जो होती है वो आपको यूरोप में ही मिलेगी सिंपल एस दैट राइट तो अभी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रियल ट्रांसफर रिमर्स के बारे में एंड ट्रांसफर डन दिल्स के बारे में तो भाई साहब केरला ब्लास्ट के बारे में पहले बात करते हैं क्योंकि केरला ब्लास्ट का जो फैन बेस है बहुत दिनों से थोड़ा सा निराश है नाराज है तो पहली डील उन्होंने नौचा सिंह के साथ में साइन की है नौचा सिंह वाज ऑन लोन फ्रॉम मुंबई सिटी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने केरला ब्लास्टर का लेफ्ट साइड संभाला है

थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ा सा टेंशन में है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो है अभी डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करो या इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करो छोड़ के चले जा रहे हैं मतलब छोड़ के के चले जा रहे रहे हैं हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उनका इधर उधर टीम्स में घुस तो भाई पे एक इनकमिंग की बात आ रही है भाई पे रेनिश टीपी जो है जो गोलकीपर है जमशेदपुर एफ के उनका ट्रांसफर हो सकता है मुंबई सिटी एफ में तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि डन डील है बट लेट मी टेल यू वन थिंग भाई साहब अभी तक डन डील नहीं है हो सकता है हो जाए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यस देर इज अ अंक्रीट न्यूज ऑफ टीपी साइनिंग विथ मुंबई सिटी एफ सी अफकोर्स फुरबा के हाज ऑफ बैकअप रह सकते हैं अफकोर्स जमशेदपुर में जो है टॉप में खेलते थे नंबर वन गोलकीपर थे बट यहाँ पे जो है फूरबा का हाज ऑफ बैकअप खेलना पड़ेगा रेनेश टीपी अगर साइन करते हैं विथ मुंबई सिटी एफ सी तो क्योंकि अगर आप देखोगे फुरबा को छोड़ के अगर हम लोग बैकअप की बात करते हैं मुंबई सिटी के पास में तो रिसेंट वन नहीं है तो रेनेश टिपी विशरली विल हेल्प आउट मुंबई सिटी इन दैट गोल कीपर डिपार्टमेंट तो यार लेट सी गो वैपन इन द फ्यूचर अभी बात करेंगे थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की न्यूज के बारे में

फ्रंट में जो है कहीं भी खेल सकते हैं लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं, राइट विंग पे खेल सकते हैं स्ट्राइकिंग पोजिशन पे भी खेल सकते हैं एंड हैदराबाद के लिए जो है मोस्टली अटैक में खेलते थे राइट विंग पे खेलते थे या फिर नो अटैकिंग मिडफील्डर खेलते थे अभी तो देखना मजा आएगा कि भाई अगर माखन चोटे साइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ में तो भाई कहा खेलेंगे वो तो देखने लायक होगा या तो वो तो फ्यूचर की बात है बट यहाँ पे माखन चोटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 ट्वेंटी तक है बट हैदराबाद एफ के साथ में माखन छोटे जो है म्यूचुअल कंसेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे बिकॉज हैदराबाद uh, के ऊपर तो फिलहाल के लिए ट्रांसफर बैन लगाए तो वो कोई ट्रांसफर्स नहीं कर सकते ना इनकमिंग आएंगे ना आउट आएंगे तो एक बहुत बड़ी दुविधा है फॉर हैदराबाद एफ तो लेट्स सी भाई यहाँ पे क्या होता है और कैसे ये ट्रांसफर पैन आउट होता है अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात करते हैं रिगार्डिंग अपूया तो भाई अपूया को लेकर मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बात की और मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा सिचुएशन कैसे बंगाल मीडिया जो है इस चीज को थोड़ी सी आग दे रहा है क्या चल रहा है एग्जैक्टली exactly, राइट right? तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दू बहुत लोग बोल रहे थे कि यार हाई ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा है मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे करना पड़ेगा एंड ओनली मोहन बगान कैन डू दैट बट लेट मी टेल यू वन थिंग उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है उनका कॉन्ट्रैक्ट मे थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक है और उसमें क्लॉज है दैट क्लॉज क्लॉज इज ऑफ रिलीज तो भाई उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे नहीं देना है उनको बस वो रिलीज क्लॉज पे करना है क्या सम लगाया है वो पता नहीं अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है बट वो रिलीज क्लॉज पे करेंगे और उनको वहां से स्नैच कर सकते हैं तो भाई उस सीनारियो में मुंबई सिटी कुछ नहीं कर सकती ना कुछ प्लेयर कर सकता है सिंपल सी बात है ये रिलीज क्लॉज जो भी पे करता है उसका वो प्लेयर हो जाता है तो मोहन बगान के साथ में ईस्ट बंगाल भी रेस में है अभी बस विमर चल रही है फिलहाल ठीक है वो तो आगे देखा जाएगा कि भाई अपूया जो है कौन सी टीम में जाते हैं क्या उनका सीन बनता फ, नो फाइनल टॉक में या फिर क्या मुंबई के साथ में रहेंगे मुंबई ही रिटेन करेगी अपूया को वो तो देखने लायक बात होगी आगे की बात होगी बट अभी का फिलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग बात करें तो अभी तक कोई डंडिल नहीं हुई है मुंबई के फैंस को ईस्ट बंगाल के फैंस को एंड मोहन बगान के फैंस को जो है थोड़ा सा सबर रखना पड़ेगा क्योंकि सबर का फल जो है बहुत मीठा होता है तो आगे चलते हैं बात करते हैं गुजरात सुपर लीग की थोड़ी सी गुजरात सुपर लीग जो है कल खत्म हुई कल उनका फाइनल हुआ बहुत मजेदार एकदम नेल बाइटिंग मैच थी यार बहुत मजेदार मैच थी बिटवीन करनावती नाइट्स एंड वडोदरा वॉरियर्स के बीच में करनावती नाइट्स ने वडोदरा वॉरियर्स को पेनल्टी शूटआउट में हराया बहुत टॉप नॉच मैच थी और ये जैसे गुजरात सुपर लीग है अभी देखो करला सुपर लीग भी आ रही है आई विश इन फ्यूचर जो है बाकी के स्टेट जो भी है ये मॉडल को अपनाए धीरे धीरे करके जैसे आपकी नॉर्मल स्टेट लीग तो चल रही है उसमें

तो ऑन दैट नोट भाई साहब आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और एक मैं अनाउंसमेंट किया हुआ लास्ट यू you नो know, लास्ट लाइव स्ट्रीम में कि जो दोस्त भी अभी तक देख रहे हैं वीडियो को प्लीज डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे जब आप फॉलो करते हो आपके नज़र में कोई एक ऐसा फुटबॉलर आता है जिसको हमको शोकेस करना चाहिए तो हम लोग जरूर वीडियो में उनको शोकेस करेंगे हमारे इंस्टा स्टोरी पर शोकेस करेंगे उनके बारे में अगर वो बहुत सही प्लेयर हैं तो उनके बारे में रील्स भी बनाएंगे तो जरूर हमारे को यू नो सेंड करते रहना डीएम्स करते रहना तो भाई मिलेंगे अगली बार अंटिल देन जय हिंद और जय भारत